Hi everyone, how are you all? I hope that you all are happy, safe and working hard towards your goal. ठीक है, और आज की वीडियो में कुछ नया है. आप मुझे बिहाइंड द सीन्स देख सकते हैं एंड यू कैन सी अ बेटर फॉर्मेट आई गेस. तो आप ये जरूर बताइएगा वीडियो के एंड तक देखते हुए कि आपको वीडियो कैसी लगी. ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट नंबर 4. इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है और ये जो वीडियो है वो कंटिन्यू कर रहा है. जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में एंड तक पढ़ा था कि यूएन का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, राइट? हमने पढ़ा था यूएन जो है वो किस तरीके से चेंज कर रहा है, कैसे लीग ऑफ नेशंस जो है वो यूएन में कन्वर्ट हो गया था इन 1945. उसके बाद एक चीज जो हमने छोड़ी थी वो क्या है कि यूएन की काफी सारी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं. जैसे WHO किस लिए काम करती है, H फॉर हेल्थ, UNDP किस लिए, D फॉर डेवलपमेंट, UNESCO फॉर व्हाट, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, राइट, UNICEF फॉर चिल्ड्रंस फंड. उसके बाद UNHRC, HRR है तो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है. उसके बाद UNHCR मतलब कि हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये रिफ्यूजीज के लिए काम करती है. तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जो कि काम करती हैं. सो आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिफॉर्म्स आफ्टर द कोल्ड वॉर. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज. तो जैसे हमने वीडियो का फॉर्मेट चेंज करा है तो यूएन को भी कभी ना कभी चेंज होना पड़ेगा, राइट? तो अब जो यूएन है वो दो तरीके से चेंज होने वाला है. एक है हमारा स्ट्रक्चर और प्रोसेस. नंबर वन है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, मतलब कैसे यूएन काम करेगा. यूएन के ऑर्गन्स में कुछ चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा. दूसरी चीज, आपको कर्सर दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, तो दैट इज ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, ये ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि यूएन किस लिमिट तक काम कर सकता है, किस एरिया तक काम कर सकता है, उसे बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन में कुछ रिफॉर्म लेकर आए हम. तो ये दोनों चीजों पे ये सभी एग्री कर रहे थे कि जरूरत है एक स्ट्रक्चर में और प्रोसेस में चेंज लाने की और साथ ही साथ ज्यूरिसडिक्शन में लाने की. परंतु क्या चेंज लाएं, इनके अंडर क्या चेंज लाएं, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट थी. ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, लोग कह रहे थे देयर शुड बी एन इंक्रीज इन सीट्स इन UNSC, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट बढ़ जानी चाहिए, परमानेंट की भी और नॉन परमानेंट की भी. ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, इसे कैसे याद रख सकते हो, सा से, SAAA. ठीक है, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया के अंदर क्या होना चाहिए, इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर. ठीक है, बजटरी प्रोसीजर्स जो है यूएन के, मतलब बजट के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें चेंजेस लाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाने हैं. पर क्या चेंजेस लाने हैं वो सभी अलग अलग कह रहे थे, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, तो इस पे डिबेट था. उसी तरीके से ज्यूरिसडिक्शन मतलब कितने एरिया तक काम कर सके, इसमें दो व्यू पॉइंट है. नंबर वन व्यू पॉइंट है कि इसे ज्यादा पावर दे दो और इसे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना दो. दूसरे लोग कहते हैं कि इसे कन्फाइंड बना दो, ये लोग नहीं है, दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन. ठीक है, तो कुछ कंट्रीज कह रही हैं कि इसका फंक्शन को कन्फाइंड मतलब कम कर देना चाहिए, सिर्फ किसकी तरफ, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट को सेव करने में, फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, देन सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में. तो आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के अंदर कहा गया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, और ज्यूरिसडिक्शन में दो व्यू पॉइंट्स थे अलग अलग कंट्रीज के. अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि रिफॉर्म्स लाने ही क्यों हैं, व्हाट इज द नीड टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स. अब देखिए, आपको पता है कोल्ड वॉर जब शुरू हो गई थी तब हमने ये यूनाइटेड नेशन बनाया था, मतलब कि जब US और USSR में बहुत बड़ी वॉर चल रही थी पर वो एक्चुअल हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तब जो है यूएन को बनाया गया था. पर अब क्या हुआ, समय बीतते हुए 1991 आया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई. तो अब कोल्ड वॉर खत्म हुई है, इसका क्या मतलब है. नंबर वन, ऑरेंज बॉक्स कहता है कि जो USSR है वो कोलैप्स हो गया, आपको पता है. अब
जब रेस हो रही थी यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, तो अगर एक हार जाते तो मतलब दूसरा स्ट्रांगेस्ट बन जाता है, यूएस जो है वो स्ट्रांगेस्ट हो गया। अब क्या हुआ, जो यूएसएसआर है और यूएस है ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, ठीक है, बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स, कॉपरेशन शुरू हो गई। उसके बाद अब आपको पता है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो इसकी जो डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, यूएन के मेंबर बनना शुरू कर देंगी। ब्लू बॉक्स कहता है न्यू कंट्रीज इन यूएन, मतलब दो टाइप की कंट्रीज आ रही थी, देखो दो टाइप की कंट्रीज, एक कंट्री थी जो कि यूएसएसआर का ऐसे पार्ट थी, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज ऐसी थी जो यूएसएसआर की अलाई थी, ठीक है, अलाई का मतलब फ्रेंड थी। वो कौन सी कंट्रीज थी, जो कि ईस्टर्न यूरोप की पार्ट था, है ना, हमने याद करा था कि जो वेस्टर्न यूरोप था वो किसके साथ था, यूएस के साथ, ईस्टर्न यूरोप किसके साथ था, यूएसएसआर के साथ। तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज यूएन में आने लग गई, जो यूएसएसआर की पार्ट्स थी 14 और कंट्रीज रशिया के साथ जो जुड़ी हुई थी वो यूएन के अंदर आना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या आया, कोल्ड वॉर के समय क्या क्या चल रहा था वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज, एशिया की, अफ्रीका की कंट्रीज जो हैं इमर्ज होने लगी एज एन इम्पोर्टेंट पावर, ठीक है, इंडिया और चाइना ग्रो करने लगी। जीनोसाइड मतलब कि टेररिज्म बढ़ रहा था, ठीक है, लोगों की जो डेथ है वो ज्यादा हो रही थी, सिविल वॉर्स चल रहे थे उस समय पे, ठीक है, कि खुद की कंट्री के लोगों ने ही क्या किया, विद्रोह किया। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे थे वर्ल्ड में, क्लाइमेट चेंज होने लग गया था। तो ये जीनोसाइड से ये सारी चीजें क्या हैं, नए चैलेंज आए, मतलब यूएन को अब ये नहीं संभालना कि यूएस और यूएसएसआर को कैसे लड़ने से रोक दें, दैट इज ओवर, पर नई चीजें उभर के आ रही हैं, वो क्या है, जीनोसाइड, सिविल वॉर, टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स का ज्यादा इंक्रीज, क्लाइमेट चेंज होना, एपिडेमिक्स, मतलब जैसे कोरोना वायरस था दैट वाज एपिडेमिक, जिस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मर जाएं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मतलब लोग जो हैं एक एथनिक ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ लड़ रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस आ गए। अब ऐसे चैलेंज में अब वही सारे प्रिंसिपल्स पे काम करता रहेगा यूएन कि हमें यूएस और यूएसएसआर को जो है लड़ाई से रोकना है, ऐसा तो नहीं कर सकता। नाउ वी हैव टू रिफॉर्म द सिस्टम, हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट, जो हमने स्ट्रक्चर और प्रोसेस की बात करी कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस में रिफॉर्म की बहुत जरूरत थी, वो क्या क्या जरूरत थी। अब देखिए 1991 में क्या हुआ, हमारा जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो 1992 के अंदर जो है यूएन के जो जनरल असेंबली था उसने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, ठीक है, उसमें क्या कहा गया 1992 के अंदर कि अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली नहीं बन रखी। इसका क्या मतलब है कि जो प्रेजेंट, उस टाइम प्रेजेंट में चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो नहीं है, उस अकॉर्डिंगली इसके अंदर मेंबर्स नहीं है, पहला पॉइंट कहा गया। दूसरी बात कही गई कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसके अंदर ज्यादातर वेस्टर्न वैल्यूज हैं, ठीक है, वेस्टर्न वैल्यूज का क्या मतलब है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी सारी फीचर्स हैं, ठीक है, और ऐसा कहा गया सिक्योरिटी काउंसिल में वो जो 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वेटो पावर है उन्हीं की डोमिनेशन है, दूसरे लोग तो ऐसे इन्होंने बिल्कुल सप्रेस कर दिए हैं, ठीक है, और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो एक तरह से ये जो रेजोल्यूशन था 1992 का ये कह रहा था कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे बिल्कुल चेंज कर देने की जरूरत है, ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर और प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है। तो हम नंबर 1 रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो कि था स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। वहीं से कंटिन्यू करते हुए क्या हुआ कि जब ये हमारी जनरल असेंबली ने ऐसा ऐसा बोल दिया तो अब क्या हुआ, 5 साल बाद 1997 के अंदर न्यू ईयर था 1 जनवरी, उस टाइम पे जो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था कोफी अन्नान, कोफी अन्नान ने कहा कि रिफॉर्म्स के लिए इंक्वायरी देखिए कि हम क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके तहत क्या हुआ कि कहा गया कि कोई भी अगर आपको नया मेंबर ऐड करना है
कहा गया था ना कि सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप इंक्रीज करो, तो ये जो इंक्वायरी बिठाई गई थी कोफी अन्नान द्वारा, इसने कहा कि अगर आपको कोई नया मेंबर लेके आना है आपकी यूएन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो उसके लिए 6 चीजें जरूरी हैं, उस कंट्री के अंदर 6 चीजें जरूरी हैं। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले मेजर इकोनॉमिक पावर, एक काफी बड़ी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, ठीक है, वो कंट्री। उसके बाद मेजर मिलिट्री पावर, ठीक है, ये MIL मीन्स मिलिट्री पावर, मिलिट्री बहुत ज्यादा होनी चाहिए उस कंट्री पे। तीसरी बात कही कि ये जो यूएन का बजट है उसके अंदर जो वो कंट्री है वो बहुत सारा कंट्रीब्यूट करती हो, ठीक है। अब सवाल उठाए गए कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, आप ये चीज तो बताइए, कितनी ज्यादा मिलिट्री की जरूरत है वो तो बताइए। उसके बाद कहा गया इस चीज की क्रिटिसिज्म करते हुए कि कितना बजट में कंट्रीब्यूट करना है हमने इस सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनने के लिए, आप ये भी नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें होगी, और चीजें क्या है, बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए। इंडिया की देखो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपने कोई पैरामीटर सेट नहीं किया, ये पूछा गया। उसके बाद वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को जो है रिस्पेक्ट करती हो, अब हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं ना डेमोक्रेसी को। अब पूछा कि क्या डायमेंशंस है, किस बेस पे हम कह सकते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं या ये, ठीक है। तो इस चीज की भी क्रिटिसिज्म की गई। उसके बाद कि जो नया मेंबर आएगा वो जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली जो है अलग अलग पार्ट्स जो हैं पूरे वर्ल्ड की उन्हें रिप्रेजेंट करता हो वो कंट्री, ठीक है। तो अब ये भी इसके ऊपर भी सवाल किया गया कि किस तरीके से आप ये मेजर करते हो कि रिप्रेजेंट इन तीनों एस्पेक्ट्स में हो रहा है वो, ठीक है। तो ये काफी बड़ा डिबेट था कि कैसे एक नया मेंबर आ सकता है। इन्होंने तो कह दिया कि ऐसे आ सकता है, पर इसकी कोई भी लिमिटेड चीज नहीं थी कि आपको इतना होगा तो आप बन जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता था पहले 3-4 मार्क्स में कि कैसे आप कह सकते हो कि जो इंडिया है वो यूएन का मेंबर बन सकता है, तो इसमें हम क्या लिखते थे कि इंडिया एक काफी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इंडिया एक मिलिट्री पावर है, इंडिया जो है यूएन के बजट में भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, हम डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी जो कंट्री है वो ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली काफी डाइवर्स चीज को प्रेजेंट करती है, तो हम कह सकते हैं इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। परंतु अब आप देख सकते हो इसके ऊपर कोई भी पैरामीटर नहीं दे रखा, इसलिए ये जो है एक तरह से ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। तो 1 जनवरी 1997 में ये आया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि लोग दो तरीके से और बात कहेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका क्या फीचर है, हर एक नॉन परमानेंट मेंबर सिर्फ 2 साल के लिए आता है सिक्योरिटी काउंसिल में, और मान लो कि 2020 और 21 में वो मेंबर था, तो वो अगली बार जो उसे चूज किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, तो वो एकदम से दोबारा से नहीं बन सकता कि वो 22 के अंदर भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इमीडिएटली उसे दोबारा से नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात, ये जो मेंबर्स हैं 10 नॉन परमानेंट, वो क्या है, पूरे वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये तो हुआ जनरल जो व्यू पॉइंट इस चीज का कि नॉन परमानेंट मेंबर्स कैसे होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके बाद आते हैं परमानेंट 5 मेंबर, ठीक है। उनके पास मैंने आपको बताया था वेटो पावर होती है। वेटो पावर क्या होती है, नेगेटिव वोट। नेगेटिव वोट कैसे, जब सभी कह रहे हैं इस डिसीजन पे हमारा यस है, सभी कह रहे हैं यस गो विद दिस डिसीजन, अगर इन 5 मेंबर में से एक भी मेंबर ने कह दिया कि नो, तो नो मतलब ये डिसीजन होगा ही नहीं, तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है। अब रिफॉर्म्स में कहा गया कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स की वेटो पावर है इसे अबॉलिश कर दो, ठीक है, कि अबॉलिश कर दो। आप इस सर्कल में देख रहे हो, पर हम इसे कर ही नहीं सकते, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहली बात कि अगर हमें ये ऐसा करना है कि इनकी ये वेटो पावर खत्म हो जाए, मतलब यूएन में एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई भी पावरफुल बंदा ऐसा क्यों चाहेगा कि मेरी पावर ले लो, ठीक है, मतलब वो वेटो पावर का यूज करके नो कह देगा,
ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कभी एग्री नहीं करेंगे, तो डिसीजन पास नहीं हो सकता। दूसरी बात जो यूएन कहता है कि हम क्यों नहीं कर सकते इस वेटो पावर को खत्म, वो है कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास सिर्फ एक रीजन है यहाँ पे रहने का, वो है पावर। ठीक है, अगर हम उससे वही छीन लेंगे ना, तो वो कंट्रीज दे विल लूज इंटरेस्ट इन यूनाइटेड नेशंस। इन्हें कोई जरूरत नहीं है यूनाइटेड नेशन में आके, ठीक है, डिबेट्स करने की, क्योंकि दे आर ऑलरेडी पावरफुल। हमें कोई प्लेटफॉर्म बना रखा है हमने ताकि हम पावरफुल कंट्रीज के साथ बातचीत करें, तो ये पावरफुल कंट्रीज ही चली जाएंगी, छोड़ देंगी यूएन को, तो हम क्या करेंगे? दैट्स वाई वी कैन नॉट अबॉलिश द सिक्योरिटी काउंसिल की वेटो पावर को। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, नए मेंबर कैसे बन सकता है, उसके बाद हमने देखा था कि क्या हमने रेजोल्यूशन पास किया था, और अब हम जा रहे हैं आगे। अब हम दूसरी रिफॉर्म की बात करेंगे, ज्यूरिसडिक्शन रिफॉर्म की। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, कितने एरिया में काम कर सकते हैं। अब इसका ये जो चेंज है वो काफी टाइम बाद आने वाला है, वो कब है, 2005 के अंदर। 45 में यूएन बना था, 2005 में कितने साल हो गए यूएन को, 60 ईयर्स। तो सितंबर 2005 के अंदर 60th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी यूनाइटेड नेशन की। इस समय कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका कितना ज्यूरिसडिक्शन हम एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें नई चीजें लेकर आई गई। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में ये नोट्स पहले भी बनाए थे हैंड रिटन, तो मैंने ये यहीं पे पेस्ट कर दिया है, इफ़ यू डोंट माइंड। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेप्स जो हैं इस 60th एनिवर्सरी में जो है इंट्रोड्यूस किए गए सितंबर 2005 में, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कब किए गए थे। सबसे पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाएगी जो कि पूरे वर्ल्ड में पीस फैलाएगी। अब इसके ऊपर कहा गया, चलो आप बना रहे हो, क्या आप हर एक इशू में इंटरफेयर करोगे वर्ल्ड के, क्या आप किसी भी कंट्री में घुस जाओगे कि नहीं यहाँ पे पीस नहीं है, वी विल कंट्रोल द सिचुएशन, ऐसे क्रिटिसाइज किया। दूसरी चीज कहा कि अगर कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है, अगर वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रोसिटीज, उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं और वो कंट्री कुछ नहीं कर रही है, तो क्या करेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उस सिटीजन को बचाएगी। ठीक है, तो इस पे भी कहा गया आप इतना इंटरफेयर करोगे, ठीक है, आप कैसे ये डिफाइन करोगे कि उस इंसान के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं और कंट्री जो है उसका प्रोटेक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद एक बात की गई कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड एस्टैब्लिश किया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, HRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और ये काम करना इसने शुरू किया इन 2006। ठीक है, तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक नया ह्यूमन राइट्स का काउंसिल बनाया। उसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप था वो था अग्रीमेंट टू अचीव MDGs। MDGs का क्या मतलब है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मतलब कि कुछ ऐसे गोल्स कि पूरे कंट्री में हेल्थ अच्छी हो, सारे वर्ल्ड में एजुकेशन अच्छी हो, पॉवर्टी का लेवल बहुत कम हो जाए, ऐसी सारे गोल्स, 8 गोल्स रखे गए, और ये 2005 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो चीज था वो था कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, कि कहीं पे भी टेररिज्म होगी हम उसके खिलाफ हैं। अगली चीज थी क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे सवाल उठाए गए कि आप कहाँ से करोगे, कहाँ पे स्पेंड करोगे एटसेट्रा। उसके बाद आपका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7th था कि विंड ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपको पता ही है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो कहा जाता है कि सस्पेंड कर दी गई थी, है ना, और इस टाइम पे ऐसा हुआ था 2005 में कि इसका थोड़ा सा भी रिमेन जो है वो नहीं रहा था। इस समय पे पूरा टोटली कह दिया गया था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल इज ओवर नाउ। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कौन कौन सी टाइप की आपके पास अलग अलग स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई गई, एट्रोसिटी से बचाने का काम, HRC को एस्टैब्लिश, MGD जो है, MDG जो है उसे एक तरह से
एस्टैब्लिश किया गया और टेररिज्म को ख़त्म, डेमोक्रेसी फंड को शुरू, ट्रस्टीशिप काउंसिल को ख़त्म। तो ये थे आपके जुरिस्डिक्शन रिफॉर्म्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो एंड यू मस्ट बी फीलिंग गुड नाउ, ताकि आपका अब अगली वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जैसे मैंने आपको कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ आप फ्यूचर में बताएं, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कैसे एग्ज़ाम गया आपका, आपके कैसे मार्क्स आए। आई एम सॉरी, काफ़ी समय से बोलते हुए क्या होता है, कई बार जो आपका थ्रोट है वो काम करना बंद कर देता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू।